अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को हूप आर्ट के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट वाइब्स। इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बम्बल बीज की थीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और इंटरेस्टिंग और ज़्यादातर इसमें 3D वर्क है। डिफरेंट डोर डेकोरेशन है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेकोरेशन है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी ऐसे ही आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, बीज की एक्चुअली जो थीम है ये येलो कलर में ब्लैक कलर में जाती है, वाइट की एडिशन भी होती है इसमें। येलो कलर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और खिल के सामने आता है। इसकी थीम अगर आप अपनी क्लास में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगी और आपकी क्लास को रोशन कर देगी। और आपकी क्लास इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी थीम है और यूनिक सी थीम है बीज की। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए डिफरेंट सारा वैरायटी ऑफ आइडियाज़ है कि आप अपनी क्लास को बीज की थीम के साथ कैसे डिकोर कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू एन वीडियो, वॉच इट और डिकोर कर दीजिए। देन आपको उसके आउटपुट्स जो मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग होंगे। डिफरेंट डोर्स को आप इसमें, डिफरेंट डोर्स है, कोई भी एक डोर सेलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगे। देन आप अपने बोर्ड्स को कैसे डिकोर कर सकते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स को आइडियाज़ है उसमें से कुछ आइडियाज़ सेलेक्ट कीजिए। देन बीहार्स की हैंगिंग आती है। देन गाइस, अपने ग्लास के कॉर्नर्स में आप 2-3 बीहार्स बना के हैंग कर सकते हैं। अपनी वॉल पे बीहार्स को चाट के डिफरेंट हेक्सागन कट करके पेस्ट उनको जॉइन करके बड़ा सा बीहाइव बना के आप उसको एक अच्छे से बैकग्राउंड दे सकते हैं। एक बैलून लीजिए, उसको जर्मन, उसको ब्लो करके जर्मन ग्लू से उसके ऊपर एक कोट कर दीजिए। देन जूट को आप उसके ऊपर रैप करते जाएं, वो पूरा जब रैप अप हो जाएगा देन यू हैव टू जस्ट पुट इट। अब उसको देर के लिए रख दें, देन उसको सूखने पर उसको बर्स्ट कर दें। आपको बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग बीहाइव बन जाएगा। डिफरेंट तरह की बीज बनाइए, अपनी क्लास में बीज की हैंगिंग बनाइए। डिफरेंट छोटी छोटी बॉल्स को लेके आप उन दोनों बॉल्स को जोड़ के येलो कलर का पेंट कर दीजिए ऊपर। देन उसके डिटेलिंग करके बहुत ही अमेजिंग सी आप उसको बीज की फॉर्म दे सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ कीजिए बीज बनाने के लिए, एग ट्रेस को यूज़ कीजिए बीज बनाने के लिए। 3D बीज आर लुकिंग अमेजिंग गाइस। अपने हार्ट चार्ट को यूज़ कीजिए, ग्लिटर शीट्स को यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपको इस वीडियो में वॉल क्लॉक को डेकोर करने के 2 आइडियाज़ मिलेंगे। देन आप अपनी वॉल क्लॉक को किस तरह से डेकोर कर सकते हैं, आप इसमें से डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। आप अपनी क्लास के डाइस को कैसे डेकोर करेंगे वो भी आइडियाज़ आपको इस पर मिलेंगे गाइस। टाइम टेबल, अपनी क्लास का टाइम टेबल कैसे बनाएं वो भी आइडिया इसमें है, बी लीजिए। उसके नीचे टाइम टेबल को रेक्टेंगुलर शेप्स में आप प्रिंट आउट निकलवाइए ब्लैक और वाइट के, और उसको लेमिनेट करवा के 2 स्ट्रिप्स लीजिए। उसके ऊपर उनको पेस्ट करते जाएं, सबसे ऊपर एक बी लगाएं, नीचे ऐसे लगाते जाएं और बहुत ही अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के साइड पे उसको हैंग कर दीजिए। देन ग्रेजुएशन डे है तो बैलून्स लीजिए, सिंपली ब्लैक एंड वाइट के साथ चाहिए, और अपना बोर्ड जैसे चाहे आप इसको ग्रेजुएशन डे के लिए डेकोर कर सकते हैं। देन बच्चों के आर्ट वर्क को आप अपनी क्लास में फिशिंग वायर लगाइए, उसके ऊपर आर्ट वर्क को, आर्ट वर्क की शीट्स को पैक कर सकते हैं। आप उनकी पोर्टफोलियो ड्रॉअर्स के लिए बैजेस बना सकते हैं, उनके कबर्ड्स के लिए बैजेस बना सकते हैं। हर बच्चे का बैच बनाइए और उसके ऊपर उसका नेम राइट करके उसके पोर्टफोलियो ड्रॉअर पे पेस्ट कर दीजिए। अपनी पोर्टफोलियो फाइल्स को आप कैसे डेकोर कर सकते हैं उसके डिफरेंट आइडियाज़ हैं। अपने रिपोर्ट कार्ड एनवेलप को कैसे डेकोर कर सकते हैं उसके भी आपको इसमें वीडियो में डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे। रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आप बीहाइव बना के छोटा सा पेस्ट कर दीजिए, वो बहुत अमेजिंग आएगा। देन आप अपनी क्लास को अगर कोई कार्ड मेकिंग एक्टिविटी करवाते हैं तो वो भी बहुत ही प्यारी और अमेजिंग सी एक्टिविटी को आप अपने पास सेव कर लीजिए, उनके पोर्टफोलियो में लगाइए। एंड टर्म पे आप उनके पेरेंट्स को दिखाइए, बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटी है। डिफरेंट ब्लैक और येलो कलर के फ्लावर्स अपनी क्लास में लगा सकते हैं, बीज बना के अल्फाबेटिकली उसे अरेंज कर दीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। देन आप अपनी क्लास में पेन होल्डर बनवा सकते हैं, डस्टबिन को येलो और ब्लैक के साथ डेकोर कीजिए, ऊपर डिफरेंट अच्छी से ड्राइंग कर दीजिए। तो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग से लेके। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।